वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि आकायदो जहाँ सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मरकजी और इलाकाई जुलूस महाफिल के लिए सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अहम शाहराहों की तरह बल्दियाती इदारों के दफातर भी बरकी कुमकुमों से सज गए हैं। आकायदो जहाँ सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मरकजी और इलाकाई जुलूस महाफिल के लिए सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अहम शाहराहों की तरह बल्दियाती इदारों के दफातर भी बरकी कमकमों से सज गए। शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आशिकान मुस्तफ़ा चिरागा करने में मसरूफ हैं। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। सरकार की आमद का ये चिरागा जारी और सारी रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत हमें अल्लाह तबारक तआला ने दी और हमें ईमान की दौलत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इसकी खुशी में कंजुल ईमान जो कि गुरु मंदिर में वाक़ है अजीम व शान तरीके से इसको सजाया जाता है और इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो खामोशी से भी इसमें हिस्सा डालते हैं। बड़े मुखैर आजाद हैं, हमारे दोस्त हैं और इसका सेहरा अशरफ भाई को जाता है और माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने 11वीं की रात को देखा होगा कि पूरी कराची से लोग आते हैं और मस्जिद को देखकर कंजुल ईमान मस्जिद को देखकर खुशी का इजहार करते हैं। आप सल्लम की विलादत का दिन है 12 रबीउल को और ये हम हर साल चरागा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ता कयामत करते रहेंगे जब तक हम जिंदा है, जब तक दिलों में सांस है आप सल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी और हमेशा ता कयामत तक जिस तरह आप ये देख सकते हैं इस तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे हमेशा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत और मिलादुन्नबी के मौके पर ये हर साल सजाया जाता है और बड़ी खुशी की मौका होता है ये और बड़ी खुशी की बात है। जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात बनाई उनकी विलादत का हम जश्न मनाते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है, हर साल होता है और मुखिया हजरात इसमें चिरागा के लिए चंदा भी देते हैं और गली गली मोहल्ला मोहल्ला कूचा कूचा चिरागा किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। माह रबीउल नूर के आते ही हर तरफ मौसम बहार आ जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन में खुशी की लहर दौड़ जाती है जिसके सबब कराची में आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से बड़े पैमाने पर सजावट का एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वज़ीर इत्तला'आत सैयद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी बल्दियात, MG वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्ला खान और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। उलमा इकराम, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, IG सिंध और कराची पुलिस चीफ की शिरकत, वज़ीर आला सिंध के उलमा इकराम की तजवीज़ और सिफारिशात पर फौरी इंतजाम करने की हिदायत। कहते हैं ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शायान शान तरीके से मनाया जाए। KMC और DMCs अपने अपने इलाकों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। माह रबीउल अव्वल के हवाले से CM हाउस में इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। KMC और DMCs अपने अपने इलाकों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। पुलिस व रबीउल अव्वल के जुलूस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें। वज़ीर आला सिंध ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि उलमा इकराम से तजावीज़ लें और उनके हवाले से फौरी इंतजाम किए जाएँ। इजलास में सूबाई वज़रा सैयद गनी, नासिर हुसैन शाह, रयाज भट्ट, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब, IG पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, MD वाटर बोर्ड, अम उलमा इकराम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी, हाजी हनीफ तैयब, अल्लामा डॉक्टर जमील राठौर, मौलाना मोहम्मद याकूब अत्तारी, मुफ्ती अब्दुल वहाब, सरवत एजाज कादरी, अल्लामा लियाकत अजहरी, हनीफ रफीक परदेसी और अल्लामा अकबरदार वगैरह और दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर कराची इकबाल अहमद मेमन ने कहा है कि आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए हिदायत का सरचश्मा ता कयामत रहेंगे।
उनके जश्न विलादत के सिलसिले में जो इकदामात किए जा रहे हैं उनको मौसर अंदाज से मॉनिटर किया जा रहा है। कमिश्नर कराची इकबाल अहमद मेमन ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची नूर हसन जोगियो और चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच के हमरा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला मलिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमाए किराम के हमरा मसाजिद इज्तिमा गाहों और जुलूस के रूट का भी मुआयना किया। कमिश्नर कराची इकबाल अहमद मेमन ने कहा कि आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर सतह पर सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि वो भरपूर अकीदत व एहतराम से जश्न विलादत मना सकें। हमारे कानून नाफिज़ करने वाले इदारे अपना काम अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। उलमा इकराम अपनी तकारीर में भी मजहबी हम आहंगी को उजागर करें। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल नूर हसन जोगियों ने मुंतजमीन को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि यह हमारा मनसबी और मजहबी फरीजा है। इस हवाले से जो भी अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं वो मेरे जेर निगरानी है। आशिक को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के सिलसिले में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। तमाम मुतालिक अमला अपने अमूर अहसन तरीके से अदा कर रहा है। अगर इस ज़मन में कोई शिकायत हो तो मुतला करें, जबकि मुश्तरका काविश से तमाम अमूर अपने नतायज 100% देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मीरानी ने कहा है कि जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासबत से इंतजामात को हंगामी बुनियादों पर पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। जुलूस और महफिल से मुतालिक उलमा इकराम और मुंतजमीन से मशावरत करके बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी आफाक सईद के हमरा जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मीरानी ने कहा कि बल्दिया किमाड़ी की हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, सीवरेज के निजाम की बेहतरी और तामीर और मरम्मत के हवाले से मिसाली इकदामात किए जाएंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना था कि उलमा इकराम के मशावरत से तमाम तर इंतजामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरोए कार लाया जा रहा है। अच्छा, रबीउल अव्वल के हवाले से हमने जितनी तैयारियां हैं हमारी तरफ से मुकम्मल हैं। हमने अपनी लाइटिंग, हमने अपनी सेवरेज सिस्टम, हम सैनिटेशन का काम हमारा तकरीबन कंप्लीट है और बाकी उस दिन जहां से रेडियां निकलेंगी वहां से हमारी तरफ से जो कैंपें लगेंगी वो भी हमने इंतजाम कंप्लीट कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला जितनी भी गुजरगाहें होंगी उस पर सारी सहूलियात मुयसर होगी। बिल्कुल, मस्जिद में कार जो लाइटिंग है हर जगह तकरीबन मेरे ख्याल में 90% के करीब करीब लग चुकी हैं और एक दो दिन में मेरे ख्याल में जो रहती हैं वो भी लग जाएंगी। तकरीब ये कैंप लगती है, तकरीब भी जो ना होती है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वहाँ पे हमारी तकरीबात होती हैं और मस्जिद में तकरीबात होती हैं। मस्जिद में जो भी होते हैं मतलब हजरात वो वहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हम भी अपने तरीके से जो ना डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में तकरीबात करेंगे। देखिए, रबीउल अव्वल के हवाले से हमने प्रोसेशन के जो रूट थे कोशिश कर रहे हैं इसको इन टाइम कर लें और उसके अलावा भी तमाम मसाजिद में लाइटों का भी इंतजाम किया गया और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेशन के रूट को भी बेहतर बनाया जाए। उसमें सफाई का है, रोड का है एंड लाइट स्ट्रीट लाइट का जो सहूलियात दी उनको ज़रूरत है इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है लिहाजा हम अपने महदूद रिसोर्सेज में रहते हुए काम करेंगे इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल की बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का दर्जा रखती है। बल्दिया जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर रुबाब सैयद ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का दर्जा रखती है। बल्दिया जनूबी इंतजामिया की जानिब से माह रबीउल अव्वल के आगाज से ही सड़कों की असरकारी, पेशवर्क और सीवरेज के मसले के हल के लिए लाइनों के पेचिंग के जरिए सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, दुरुस्तगी और सेहत व सफाई के खसूसी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं।
बल्दिया जनूबी की इंतजामिया माह रबी अव्वल और खास तौर पर 12 रबी अव्वल के मौके पर जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद, महाफिल के मकाम के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजाम, चूने के छिड़काव के इंतजाम को यकीनी बना रही है, जहाँ अमला और अफसरान मुख्तलिफ शिफ्टों में अवामी शिकायात के अजाले के लिए तमाम तर जरूरी सामान और मशीनरी के मौजूद रहने के लिए इस जमन में तमाम मुतालिक अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और रबी अव्वल के इंतजाम का जायजा लिया। रबी अव्वल के इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा कि रबी अव्वल का महीना हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, कोशिश है और इसी कोशा में बल्दियाती हवाले से जितनी बेहतर खिदमत सरंजाम दी जा सकती है वो सरंजाम दी जा रही हैं। रबी अव्वल के महीने के आगाज से बल्दियाती खिदमत की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शेब अहमद मलिक ने लाइन जीरिया और दीगर गिरदोनवा में मसाजिद और दीगर जगहों पर बल्दियाती खिदमत का भी जायजा लिया। बल्दिया गरबी में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर शफाक अहमद मल्ला कहते हैं आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तिया वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जुलूस महाफिल के इंतजाम और मुकाम पर बल्दियाती खिदमत की फराहमी के लिए कोशा हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागीरानी की हिदायत पर माहिर बिन नूर में जुलूस और महाफिल से मुतालिक खसूस इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर बल्दिया गरबी में आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाबी वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है, खसूसन मसाजिद के अतराफ और उन तमाम मकाम पर जहाँ ईद मिलादुन्नबी के हवाले से महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर बुनियादी जरूरियात की फराहमी के इंतजाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक अहमद मल्लाह का कहना है कि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जुलूस महाफिल के मकाम पर बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए कोशा है। उलमा हज़रात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हैं वो हमारे साथ हैं और जो भी उनके उन्होंने निशानदियाँ की हैं कि कहाँ पे रोड कारपेट करना है, पैच वर्क करना है और मोटर बल करना है, रास्तों को लाइट का मसला सही करना है, तो पेवर वर्क करना है और इसके अलावा जो सेवरेज का मसला है वो सब चीज़, और ये सारी चीज़ें हमने टेकअप की हुई हैं। अभी भी थोड़ी देर के बाद मैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब साइट पे जाएंगे, उलमा हज़रात से हमने टाइम भी लिया है, वो भी हमारे साथ होंगे। जो बाकी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इंशाल्लाह हमारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम सही जो भी चीज़ होगी फैसिलिटेट करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागीरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्लाह ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत की है कि तमाम मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी की फराहमी के इंतजाम को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के साथ साथ जश्न विलादत के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूसों की गुजरगाहों पर तामीर मरम्मत के लिए हंगामी इकदाम किए जाएँ। यहाँ पर आपको बताएंगे कराची इंतजामिया के नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए मोहलत। नस्ला टावर की रिहायशी इमारत खाली करने के नोटिस के बाद से कर्ब और बेचैनी का शिकार हैं नस्ला टावर के मकीनों की एक बार फिर फैसले पर नजरसानी की सदा। कहते हैं इमारत गिराई गई तो मलबे से हमारी लाशें भी उठानी होंगी। कराची इंतजामिया की नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत। नस्ला टावर की रिहायशी इमारत खाली करने के नोटिस के बाद से कर्ब और बेचैनी का शिकार है नस्ला टावर के मकीनों की एक बार फिर फैसले पर नजरसानी की सदा। कहते हैं इमारत गिराई गई तो मलबे से हमारी लाशें भी उठानी होंगी। यहाँ पर आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावजात की कार्रवाई, न्यू कराची 52,000 रोड पर तजावजात का खात्मा कर दिया गया, जबकि फुटपाथ पर बनी चार दुकानें और दीगर पुख्ता तजावजात मसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया होटल का सामान, ठेले, पथारे, केबिन और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावजात की कार्रवाई, न्यू कराची 52,000 रोड पर तजावजात का खात्मा कर दिया गया।
बल्दिया उस्मा कराची के महकमे सदादत तजावुजात के अमले ने न्यू कराची सेक्टर 11 में 52,000 रूट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर किया गया, जिसकी निगरानी डायरेक्टर जिला बस्ती कामरान अल्वी ने मुतालिक अफसरान के हमरा की। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी की मदद से फुटपाथ पर बनी 4 दुकानें, चबूतरे, सीढ़ियों और दीवारें मिसमार कर दी गयी। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया होटल का सामान, ठेले, पथहारे, केबिन और दीगर सामान भी जब्त किया गया। ऑपरेशन के दौरान KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले को इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस, रेंजर, सिटी वार्डन और दीगर मुतालिक इदारों की मुआवनत भी हासिल रही। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1।